मैं हूँ वर्षा और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड मिसल पाव बनाने जा रही हूँ और मैंने इसे बहुत सिंपल प्रोसेस में बनाया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए स्प्राउटेड मूंग 1 कप, 1 टमाटर, 1 बड़ा साइज का प्याज, 2 हरी मिर्च, नारियल, फरसान हमें चाहिए, 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 10 से 12 करी लीव्स, तेल, धनिया पत्ता। मसाले में हमें चाहिए नमक, स्वाद अनुसार आप लें, और 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 पिंच हींग, गरम मसाला 1/2 चम्मच, थोड़ी सी राई और मिनी पाव मैंने यहाँ पे लिए हैं। सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, तेल गरम होने पे हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को हम अच्छा ब्राउन कलर आने तक इन्हें हम भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे नारियल, और नारियल को भी लाइट ब्राउन कलर होने तक हमें इसे भूनना है। नारियल को भी लाइट ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से भून लें। प्याज और नारियल अच्छे से पक चुका है। अब प्याज और नारियल अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको एक ब्लेंडिंग जार में निकाल लेंगे। इसमें टमाटर भी डाल दें, हरी मिर्च डाल देंगे और इसे ठंडे होने पर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। फिर से एक पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 3 चम्मच तेल, राई डाल देंगे, हींग डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता। करी पत्ते डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, इससे करी में कलर अच्छा आएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसे चला दें और इसमें हमारा पेस्ट डाल दें। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें 1 बड़ा चम्मच, गैस को तेज कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए 1 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे मूंग, मिला दें इसे। धनिया पाउडर डाल देंगे, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार डाल दें, मिला दें सभी मसालों को। इसमें डाल देंगे पानी, मैंने जार में मसाले में मिला के डाल दिया है पानी।
मिला जाए। इसमें और पानी थोड़ा डाल दें क्योंकि जो रस्सा है थोड़ा ज्यादा होता है। धनिया पत्ता डालें थोड़े से और इसे 10 से 12 मिनट तक हमें इसे बॉईल करना है। 10 मिनट बाद देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है हमारे रस्से में और देखिए अच्छा तरी भी आ गया है। इस तरीके से मिसल होना चाहिए। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। मिसल एक बाउल में डाल देंगे, फिर उसके ऊपर फरसान, प्याज, धनिया पत्ता डालेंगे, नींबू, थोड़े से टमाटर। तो लीजिए मिसल पाव बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।